तो भाई लोग, मैंने सुना कि तुम लोग बड़ी टेंशन में हो मिर्ज़ापुर सीरीज को लेकर के, कि भाई मिर्ज़ापुर सीजन 4 कब आएगा और साथ में मिर्ज़ापुर सीजन 4 में किस तरह की स्टोरी रहने वाली है। तो भाई लोग, आप लोगों को टेंशन लेना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। मेरे होते हुए अगर आप लोग टेंशन लो तो भाई फिर मेरा क्या ही काम, राइट। बात करते हैं मिर्ज़ापुर सीजन 4 के बारे में। सबसे पहले अगर आप लोग मिर्ज़ापुर सीजन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। मिर्ज़ापुर के सीजन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन से साफ साफ पता चलता है कि सीजन 4 में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को मकबूल देखने के लिए मिला है, जिसे भाई बीना भाभी ने बुलाया है। ऑफ कोर्स भाई लोग, यहाँ पे बीना भाभी ने मकबूल को उस काम के लिए तो बुलाया नहीं होगा, यहाँ पे कालीन भैया को फिर से गद्दी से हटवाने के लिए मकबूल को बुलाया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने सीजन 3 के लास्ट में देखा कि कालीन भैया फिर से जो है अपनी गैंग के साथ जो है बीना भाभी और अपने बच्चे को लेने के लिए आ जाता है, जो कि ऑफ कोर्स उसका बच्चा भी नहीं है, बट उसे क्या पता इस बात का, राइट। शिट, हम लोगों को भी नहीं पता है। तो अब फिर से जो है कालीन भैया की कैद में बीना भाभी हो चुकी है और बीना भाभी किसी की भी कैद में नहीं रहना चाहती है, भले वो गुड्डू पंडित ही क्यों ना हो। हम लोगों को सीजन 3 में देखने के लिए मिला कि वो गुड्डू पंडित को नशे की लत लगवा रही थी। अफकोर्स यार, गुड्डू पंडित के फायदे के लिए तो नहीं लगवा रही होगी, अपने फायदे के लिए लगवा रही थी। यहाँ पे गुड्डू पंडित थोड़ा सा भटक तो गया था, बट हम लोगों को सीरीज के लास्ट होते होते इतना पता चल गया कि गुड्डू पंडित भाई आम लोगों में से नहीं है। साथ ही में सीजन 4 में कालीन भैया एक बार फिर से जो है मिर्ज़ापुर की गद्दी के ऊपर बैठेंगे और अपनी सारी सेना के साथ जो है गुड्डू पंडित को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि भाई गुड्डू पंडित तो भाग चुका है जेल से, अब यहाँ पे कालीन भैया को सिर्फ एक ही टेंशन है किस तरह से गुड्डू पंडित को पकड़ा जाए। और दूसरी तरफ हम लोगों को एक और करेक्टर देखने के लिए मिलेगा, वो है छोटे त्यागी, जो कि गोलू गुप्ता के पीछे पड़ेगा, क्योंकि भाई गोलू गुप्ता की वजह से उसकी भाभी को गोली लग चुकी है। अब गुड्डू पंडित दो खतरों से घिरा पड़ा है, एक तरफ कालीन भैया है और एक तरफ छोटे त्यागी है। अब भाई गुड्डू पंडित कैसे फिर से अपनी सेना को डेवलप करेगा और इन दोनों से बदला लेगा, क्योंकि भाई छोटे त्यागी से भी तो बदला लेना है गुड्डू पंडित को, क्योंकि भाई उसकी साली को उसने बहुत मारा पीटा, टॉर्चर किया है, राइट। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि कालीन भैया और छोटे त्यागी मिल करके गुड्डू पंडित के पीछे पड़ जाए। तो यहाँ पे आप लोगों का सोचना ये होगा कि गुड्डू पंडित तो अकेला पड़ गया, पर ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि गुड्डू पंडित के साथ अभी वो नेता है, साथ में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शबनम भी तो है, साथ ही में शरद शुक्ला की माँ भी तो है, वो भी तो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहेगी कालीन भैया से। तो ये सारे कैरेक्टर जो है गुड्डू भैया का साथ देने वाले हैं। और साथ ही में हम लोगों को सीजन 4 में गुड्डू पंडित और उसकी साली गोलू गुप्ता बीच में अच्छे खासे रोमांस वाले सीन देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी शुरुआत सीजन 4 के लास्ट से ही हो चुकी है। ये दोनों मिलकर फिर से कैसे मिर्ज़ापुर के ऊपर राज करेंगे, कैसे अपने दुश्मनों से लड़ेंगे, यही सारी चीजें जो है हम लोगों को सीजन 4 में देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे असल मुद्दा ये है कि सीजन 4 आएगा कब, राइट। मिर्ज़ापुर का सीजन 1 हम लोगों को देखने के लिए मिला था 2018 में, फिर सीजन 2 आया था 2020 में, और तीसरा सीजन देखने के लिए मिला डायरेक्ट 2-3 साल के गैप के बाद 2024 में। तो भाई सीजन 4 के लिए भी अगर ये इतना गैप लेंगे 2-3 साल का, तो 25-26 तक हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा सीजन 4। पर भाई लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, मुझे लगता है कि सीजन 4 बहुत ही जल्द हम लोगों को 1-2 साल के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं ऑफिशियल न्यूज के बारे में बात करूं, अभी तक यहाँ पे Amazon Prime Video की तरफ से कोई न्यूज नहीं मिली है कि सीजन 4 की शूटिंग या कास्टिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। पर इतना तो कंफर्म है कि सीजन 4 आएगा जरूर, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट देखने के लिए मिला है। पर अक्सर वेब सीरीज के रिलीज होने के 1 महीने बाद ही जो भी यहाँ पे क्रिएटर है, मेकर्स हैं, यहाँ पे फैसला लेते हैं कि अगला सीजन कब तक आएगा, क्योंकि 1 महीने तक वो परफॉर्मेंस देखते हैं कि सीरीज ने किस तरह का कमाल किया है। हम लोगों को मिर्ज़ापुर सीरीज में टोटल 10 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं। अगर मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज को बनाना हो तो उसमें लगभग 1-1.5 साल का समय लगता है। अभी तक मैंने ऐसी बहुत वेब सीरीज देख रखी है जो कि हर एक सीजन को 1 साल बाद बना के ले आती है। तो इसका मतलब ये है कि और क्रिएटर्स 1 साल में पूरी वेब सीरीज को बना सकते हैं, तो भाई मिर्ज़ापुर वाले भी बना सकते हैं। सच कहूं तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर सीजन 3 को कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो मेकर्स को सीजन 4 अगर अच्छे से चलाना है तो उन्हें बहुत उन लोगों को बहुत ही जल्द सीजन 4 रिलीज करना होगा। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि 2026 की शुरुआत में या फिर मिड में देखने के लिए मिल सकता है। बाय द वे, आप लोगों का क्या ख्याल है इस वेब सीरीज को लेकर के, मुझे कमेंट करके बता सकते हो।